दिस इज आस्था बर्दा, वेलकम टू एटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नर्व सेल्स। मैंने सोचा कि आज टॉपिक नर्व सेल्स पे ले लेते हैं अपन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि नर्व सेल्स होता क्या है। नर्व सेल्स एक ऐसा सेल्स है जो कि अपनी बॉडी का जो भी कमांड होता है या जो अपने सबसे पहले अपना माइंड का जो कमांड है, अपने माइंड ने अपने ब्रेन ने जो सोचा है वो कमांड बॉडी को ट्रांसमिट करेगा और फिर से जो बॉडी का कमांड है वो फिर माइंड को ट्रांसमिट करेगा। तो मैं आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बता सकती हूँ, तो अब बताती हूँ। द नर्व सेल्स इज द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द ब्रेन, अ स्पेशलाइज्ड सेल डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू सेंड द मैसेजेस फ्रॉम द body to the brain and back to the body. It is also called neuron. This is main point. Nerve cells और neuron एक ही बात होती है, ठीक है। तब आपको ये definition समझ आ गई होगी, आप इसको note कर लेना। अब हम जानेंगे इसके 3 components के बारे में। न्यूरॉन के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला है सेल बॉडी, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है सेल बॉडी। और दूसरा है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। मतलब न्यूरॉन की बॉडी सेल बॉडी के लॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है उसे एक्सॉन कहते हैं, समझे। और सेकेंड थर्ड है डेंड्राइट्स। थर्ड डेंड्राइट्स है, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। द शॉर्टेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। मतलब न्यूरॉन के सेल बॉडी की जो शॉर्टेस्ट फाइबर होती है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ नर्व सेल्स। तो ये आप देख सकते हैं, तो इस टाइप का डायग्राम दिखता है वो। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो सेंटर पोर्शन है जो बीच का, इसमें न्यूक्लियस कहलाता है। और ये जो न्यूक्लियस के आसपास जो पोर्शन होता है, जो सरफेस होता है, जो एरिया, वो साइटोप्लाज्म में कहलाता है। और ये वाले जो पार्ट्स है ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स। मैंने बताया था जो शॉर्टेस्ट फाइबर होता है वो क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स। और इसका जो कवरिंग पार्ट है जो डेंड्राइट्स अटैच है वो कहलाता है सेल बॉडी, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको पता ही होगा आपको। और ये जो पार्ट्स है जो ये दिख रहे हैं अंदर के, ये एक्सॉन कहलाते हैं। एक्सॉन मैंने बताया था लॉन्गेस्ट फाइबर है वो एक्सॉन कहलाती है, जो लॉन्गेस्ट फाइबर है वो क्या कहलाती है, एक्सॉन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये कहलाता है माइलाइन शेल फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, आप समझ ही गए होंगे। तो ये है नर्व सेल का जो डायग्राम, आई होप आप समझे ही होंगे। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो आप इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो अब मैं ये वीडियो सेशन यही एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सो दैट योर फ्रेंड्स रिलेटिव ऑल्सो गेट नॉलेज अबाउट नर्व सेल्स एंड एक्सेट्रा अबाउट वीडियोज। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो।